मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरी एक्चुअली जॉब जो है वो बहुत कम आ रही है, बट मुझे ट्रैवल में जितना टाइम देना पड़ रहा है वो मेरे पूरे के पूरे ऑफिस आवर में प्लस तक होते हैं, कि अगर मैं निकला हूँ अभी मैं रात में 1 बजे 12:30 1 बजे आते हैं रूम तक पहुँचता हूँ, उसके लिए बंदा इतना लेट नहीं होता, उसके साथ यही होता है ट्राई क्या ही कर सकता है। तो मैं निकला हूँ और उसके बाद परसों भी पी रखी थी, ये बहुत अच्छा बना था। आज इसे सिकंदी पीना चाहते हैं, कैसी बना रहा है देखें भैया। प्लास्टिक में बनाना भैया, यहाँ पर बनवा रहा हूँ भाई, देख रहा हूँ कैसा बनाएंगे भैया। फिलहाल हर रोज़ का तो एकदम, अभी जो मैंने कल किया था उसमें एक्चुअल में खट्टा बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ, देख रहा हूँ इनका कैसे बनता है भैया का। तो आपको चलो जल्दी जल्दी बनवाता हूँ और इसका टेस्ट बताता हूँ कैसा बना। अरे बर्फ डाल दिया, फिर मैंने बोला बहुत ज़्यादा ठंडा कर देना भैया, बर्फ डाल दिया। बस भैया बस 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 पूरा बर्फ से ही भर जाएगा वो। मुझे लगता था पहले मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं इसको देखा तो मुझे लगा मैं कम पढ़ता हूँ। उसके बाद डालना है भैया मसाला, चिकन मसाला, टमाटर डाला, काला नमक है, और उसके बाद डालना है इसमें शुगर। मुझे करीबन 15 मिनट हो गए अभी तक कैब नहीं आई है, आते समय वेट जाते समय वेट, मुझे यही इशू हो रखा है गाइस, क्या करूँ ज़िंदगी अजीब सी हो रखी है गाइस, एकदम परेशान हो रखा हूँ, तबीयत भी आज ख़राब हो रखी है, आंखें पूरी लाल हो गई हैं गाइस, देख रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, बस आए कैब जल्दी से निकलूँ और घर पहुँचूँ। चली गई है आ गया गाइस MG मेट्रो अपने पिकअप पॉइंट पे, ड्रॉप पॉइंट पे सॉरी, फिलहाल मतलब मेरा ड्रॉप पॉइंट जो है वो MG मेट्रो नहीं है, ये मुझे छोड़ते हैं भैया FO के पास में, वहाँ से 10 कदम है वॉकिंग, तो मैं चलते हुए आ जाता हूँ, बट ये दिन में ना चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। अभी मेरी आँखें लाल हो रखी हैं, या तो मुझे आईपीओ हो रखा है या फिर मुझे नाश होने की वजह से ये हो रखा है। अब चल रहा हूँ आप लोगों को आगे दिखाता हूँ क्या हो रहा है, और हाँ मुझे पता है आप लोगों को शिकायत होगी मेरे इस ब्लॉग में कि आपको वॉइस जो है वॉइस
ट्रांसलेशन बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं ना दूर करके बात करता हूँ, मैं माइक यूज़ नहीं करता हूँ, आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं जाती होगी। गाइस आ चुका हूँ मैं, आज तो कैब भी बहुत ज़्यादा महंगी दिखा रही है यहाँ पे। मेरा रूम अराउंड यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर है गाइस, और इतनी दूर का सिर्फ यहाँ से 70 रुपये मांग रहा है अभी, 90 सॉरी। हाँ अगर 70 भी होता तो एक बार मैं सोचता कि चलो दे दे रहा हूँ, क्योंकि नाइट का समय है, थोड़ा बहुत चलता है। मॉर्निंग में मैं यहाँ पे 35 रुपीज़ में आया, और सोच लो अभी 95 समथिंग मांग रहे हैं। तो ये अननेसेसरी खर्चे हैं गाइस, इसको आपको बचा के चलना है। मैं देख ले रहा हूँ कि मैं टैक्सी कर लूँगा अभी, अगर नहीं मिलेगा तो टैक्सी इन द सेंस कि 10 रुपये वाली शेयरिंग ऑटो कर लूँगा, मुझे 10 रुपये में पहुँचा देगी मेरे लोकेशन तक। वैसे वहाँ से थोड़ा सा मुझे पैदल चलना पड़ता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शेयरिंग ना करना पड़े, क्योंकि मुझे पैदल जो चलना पड़ता है वो मेरा बचत हो जाएगा। और हाँ, आज ना बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी बात हुई थी, वो आप लोगों को मैं घर पहुँच के एक बार बताता हूँ गाइस। फिलहाल अभी तो मेरा चेहरा देख रखा आपने, एग्जॉस्ट हो रखा है। आज पहले ऐसा दिन है कि जो टिक्की वाले भैया हैं उनकी दुकान आज बंद हो गई मेरे आते समय, मैं हर रोज़ आता हूँ उनके पास, कुछ ना कुछ तो ज़रूर खा के जाता हूँ। आज इन्होंने भी बंद कर दिया मुझे लेट होकर आने में, तो कई सारी चीज़ें लेट हो जाती हैं। फिलहाल अभी के लिए बाकी गया हूँ, तो मैं एक्चुअली मैं पैदल इसलिए चल रहा हूँ कि मैं 10 कदम आगे आ जाता हूँ ना, ये सिर्फ 10 कदम की वजह से दूरियाँ होती हैं। कि जैसे मैं अगर पीछे से आ रहा हूँ, अगर मैं इफ़्को के पास से अगर करता, इफ़्को इन द सेंस मतलब एनजी मेट्रो के जस्ट उस वे से करता हूँ तो 95 मांग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जब आऊँगा तो यहाँ से मुझे अप्रॉक्स 52-59 ऐसा देना पड़ जाएगा। ये मैंने कई दिन ऑब्जर्व किया है गाइस, तो देख रहा हूँ, चल रहा हूँ कैब करने, फिर मिलता हूँ आपसे। बिलबोर्ड भी चलना बंद हो गया, पहले हर रोज चलता रहता था गाइस। मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा पैदल चलूँगा तो पैसों का दाम कम हो जाएगा, बट यहाँ तक आने के बाद भी ये 65 ले रहा है, कि मैंने लास्ट राइड बुक करी थी। और एक्चुअल में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने बुक करी और ये खुद से लेट आ रहे थे, एक लोकेशन पर पहुँच नहीं पा रहे थे, तो मैंने इस वजह से कैंसिल कर दी थी। तो उन्होंने इस वजह से मेरे में चार्ज लगा दिया 10 रुपये, तो अराउंड मेरा 57 हो रहा था, तो 10 रुपये इनको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है गाइस। देख रहा हूँ कैब वाले का वेट कर रहा हूँ, कैब तो हो गई, आने वाली है वो। हम लोग, अरे कोई बात नहीं, हमें तो जाने से मतलब होता है, हम लोग इसलिए आपस में कर लेते हैं। अरे मैं बता दूंगा लोकेशन, मुझे नहीं लोकेशन मुझे पता है, यू ब्लॉक में हम रहते हैं यार। अच्छा यू ब्लॉक में कहाँ रह रहे हो? यू ब्लॉक में जो शिव मंदिर है ना। अच्छा शिव मंदिर के पास रह रहे हो आप, मुझसे पीछे रह रहे हो, मैं इधर रह रहा हूँ बस, वो फुटप्रिंट स्कूल के पास में। मैं निकल चुका हूँ, वीडियो बना रहा था ऐसे भी कह रहा है, रात का समय है, आप मोबाइल हाथ में ऐसे लगे कोई मोबाइल लेके ना भाग जाए, इसलिए एकदम सेफ्टी के साथ में कर रहा हूँ, इधर कर ले रहा हूँ सामने से। हाँ वो थोड़ा सा हो जाएगा सामने से। आपका हेलमेट यार भैया है ठीक नहीं, हेलमेट तो बड़ा खतरनाक ले रखा है आपने, हेलमेट खराब हो गया। ऐसे पुलिस से बचाता है, सेफ्टी भी करता है, सेफ्टी के नाम की चीज़ नहीं है। हाँ ये बस पुलिस से बचाने वाली चीज़ है भैया, वैसा है नया हेलमेट लेंगे ना दूसरा। अरे आपको ये ओला उबर वालों ने तो दिया ही होगा कुछ, हाँ उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ तो आपको ज्वाइन करते हैं पैसा देना पड़ता है। आज तक ओला उबर वाली कंपनी भी नहीं गए, अब गए हमने अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करे ऐप, उसके बाद डॉक्यूमेंट डाल दिए, वेरिफिकेशन हो गया। हाँ ऐसे ये भी सही है, चला रहे हो आप पार्ट टाइम कर लेते हैं आप, चलाते हुए वो कौन सा एक आता है जिप वाले में तो अलाउड भी नहीं ना ज़्यादा, ये वो चलाना क्या बोलते हैं, हेलमेट
अलाउड नहीं है। तो मैं जिप से आया था, मैंने उसकी प्रेफर हॉर्स की बाइक लेके खुद ही में चलाया, पुलिस नहीं थी, आज देख रहे हो आज पुलिस भी है। कहाँ से आप वैसे भाई? देख रहा दादू का कैसा भैया, दादू का कैसा रोड पे बड़ा है आदमी। आप कहाँ से हो? मैं भी यूपी का ही हूँ भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ मैं आपके उसका कैपिटल का हूँ। रात में वैसे भी गुड़गांव देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। हाँ ये बाइक चलाने में आपको एंटरटेनिंग लगता होगा एकदम खतरनाक, चाहे वो बिल्डिंगें हों बड़ी बड़ी, थोड़ा ग्रोथ हो रखता है यहाँ पे अंदर से फिर बाहर से ही चलाना। अच्छा आपको पता ना स्टैंडर्ड साइड बाइक में तो आप आगे जाएंगे। रास्ते इसलिए जैसे और कोई शहर होता थोड़ा भी लाइट डिम होती यहाँ पे ना जल्दी, तो आने में थोड़ा वो लगता कि हाँ अभी लेट हो गया, लगता लेट हो गया। इधर कितने भी टाइम हो लेट नहीं लगता, ये लगता अभी शाम हुई है, अभी अभी शाम हुई है। और यहाँ पे रात में भी आपको एंटरटेनिंग एकदम, आप बाहर निकल जाओ, ये खासकर यहाँ पे तो सब कुछ खुला रहता है मुझे देखा। ये ज़्यादा ये बिल्डर जो है ये वाला चलता है, इसको यू फेज टू या फेज थ्री नाम से जानते हैं इसको, मेट्रो स्टेशन पर टावर करके है ये चलता भी है कि ये बस यहाँ पे है, कोई आते होंगे जरूर। आज का पूरा दिन एग्जॉस्टेड हो गया गाइस, निकल चुका हूँ। प्यारी बनी हुई है ना, एक खतरनाक बनी हुई है साइबर हब की, इसकी मेन एंट्री यहीं से है ना साइबर हब की, साइबर हब की क्या एंट्री यही है ना, ये वही वाला साइबर हब है ना जो फेमस है। एम्बियंस मॉल यहाँ से कितना दूर होगा आपको? एम्बियंस हाँ 1-2 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा ना। बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये वीवो काफ़ी अच्छा पीछे से पकड़ कर अभी के लिए बस मैं जा रहा हूँ लगाए रखिए। हेलो निकले हुए हैं क्यों भैया? चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सब आपका एकदम खुले एंजॉय कर रहे हैं, रात हो दिन हो, इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही फेमस है। देखिए वो लड़के सबसे ज़्यादा रश यहाँ पे नाइट में ही हो रखा है, क्यों भैया? एकदम एग्जॉस्ट हो रखा हूँ, आज सुबह से निकला हुआ हूँ यार मैं, और अभी इस टाइम पर पहुँच रहा हूँ। हमें तो कोई अकेला नहीं दिख रहा यार भैया अभी तक जाते हुए इस मार्केट में यार।
जोड़ीदार हम यही बेचारा है जो सिर्फ दो लड़कों के साथ में है, मैं पीछे जो गया बेचारा और अभी तक कोई लड़के नहीं मिले हैं जो लड़के लड़के साथ में जा रहे हैं। मार्केट में वैसे भी सारे यंग ही रह रहे हैं ना, तो जो साथ में ही रह रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं। आपको डाल दूँ ना यूट्यूब पर, कोई इशू तो नहीं है आपको? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, गुड नाइट सभी लोगों को भाई हमारी तरफ से। लोकेशन कन्फ्यूज जाएंगे हम आगे मुन्ना, वहाँ से राइट जो आगे रास्ता दिख रहा है ठेके से सीधा रहा, क्योंकि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ आगे थोड़ा सा अंदर, यहाँ पे तो फिर कुछ ज़्यादा ही महंगे हो जाते हैं। ले रही है, चलो ठीक है, मैं पहुँच चुका हूँ अभी लोकेशन पर, अपने मिलता हूँ ऊपर जाके रूम पे। आ गया मैं रूम पे, चल रहा हूँ आराम करने, आप लोगों से मिलता हूँ अब कल। आज का पूरा दिन हुआ ख़त्म, हमारे दोस्त लोग हमारे पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ गाइस, इतना थक के आया हूँ, उन लोगों को लग रहा है मैंने ब्लॉग क्यों बनाया। कोई बात नहीं गाइस, चलिए आप आराम करिए, मैं भी आराम करूँ। बाय बाय, गुड नाइट।